ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ फैमिली प्लानिंग चैप्टर कम्युनिटी मेडिसिन। अब इसके अंदर जो है ना वो हम सारे के सारे इसके कॉन्डम्स का यूज़ भी और इसकी अनबॉक्सिंग भी वो सारी सारी करती हैं। पहले मेथड्स देख लो किस तरह हमने रोकना है कंट्रासेप्शन को। लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो ये वाली वीडियोस जाकर देख ले, मैंने सारा समझा दिया लॉन्ग विद क्लासिफिकेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग जो आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट पास होने के लिए। मिसलेनियस मेथड के अंदर हमारे पास क्या होगा, एब्सेंटिनेंस, ठीक है, ABSTINEN एब्सेंटिनेंस हो गया। नंबर सेकंड पे क्वाइटस इंटरप्ट, क्वाइटस को इंटरप्ट कर दिया जाए। और नंबर थर्ड पे हमारे पास है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग भी एक बड़ी वजह है कॉन्ट्रासेप्शन को रोकने के लिए। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती वो फिर कैंसर के साथ भी प्रेजेंट करती हैं। देखो एब्सेंटिनेंस के अंदर बेसिकली क्या होगा, कम्प्लीटली अफेक्टिव एक तो ये मेथड है, इसके अंदर हमारे पास जीरो चांस होता है कि वो वहाँ पे कोई ना कोई कंट्रासेप्शन है। क्या कम्प्लीट सेक्शुअल एब्सेंस, कम्प्लीट सेक्शुअल एब्सेंटिनेंस, ठीक है, मतलब वो फीमेल और मेल सेक्स ही ना करे तो हमारे पास कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन का ज़ीरो चांस हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास कहने के मोस्ट अफेक्टिव है, 100% अफेक्टिव मेथड है, लेकिन इसको अडॉप्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ कहानी की बातें हैं अडॉप्ट करने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इसको अडॉप्ट कर पाएगा अनटिल या अनलेस वो इनफर्टाइल हो तो वो कोई और हो सकते। लेकिन ये जो सेक्शुअली एक्टिव मेल है उनके लिए या कपल्स हैं उनके लिए ये अडॉप्ट करना इम्पॉसिबल है फिजिकली। नंबर सेकंड पे क्वाइटस इंटरप्ट होता क्या है, मेथड ऑफ वॉलंटरी फर्टिलिटी कंट्रोल, ठीक है, मर्जी के साथ हमने फर्टिलिटी को कंट्रोल करना है। अब देखो ना, ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स ये फीमेल यूट्रस है और ये वजाइना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो मेल क्या करेगा, इन सिंपल वर्ड जब विद बुक के अंदर लफ्ज़ लिखा मेल विदड्रॉ हिज पीनस बिफोर इजैकुलेशन, स्पर्म की इजैकुलेशन से पहले मेल क्या करेगा अपना पीनस जो है ना वो विदड्रॉ कर लेगा फ्रॉम दी फीमेल वजाइनल बॉडी। तो ये हमारे पास होता है कि मेल विदड्रॉ कर लेगा अपना, ठीक है, पीनस फ्रॉम दी फीमेल बॉडी। अब इसके अंदर क्या होता है, इस क्या होता है कि सीमन इज़ नॉट डिपॉजिटेड, कोई भी सीमन जो है ना वो अब यहाँ पे जाएगा ही नहीं, सारा बॉडी से बाहर है, ठीक है। तो वो ये हमारे पास, ये एक तो सिंपल मेथड है, कॉस्ट अफेक्ट नहीं है इसकी, जीरो कॉस्ट, आपको इवन कंडम भी यूज़ नहीं करना पड़ता और ये, ठीक है। अभी ईजान और ये बाकी ईजान की बात। ओके जी, हम बात कर रहे थे क्वाइटस इंटरप्शन की। क्वाइटस इंटरप्शन में हमारे पास क्या है कि मेल जो है ना वो पीनस को विदड्रॉ कर लेगा। चल दिया ना वीडियो यार, एक ये बड़ा मसला आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि एडवर्स, इसका एक तो सिंपल मेथड है और नंबर सेकंड पे ये इसकी कॉस्ट नहीं है, इवन कि आपको कंडम खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, जब मेल ऐसा करेगा ना तो उसको एडवर्स इमोशनल जो है ना वो रिएक्शन होगा, ठीक है। वो इमोशनली जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा कि जो उसको प्लेयर मिलता है इस काम के बाद वो नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये एक, और इसका फेलियर रेट जो है ना वो 25% है। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, ये भी कहता है कि वो बुक के अंदर इस्लामिक मेथड है हमारे पास, ठीक है, जो कि वो माँ जो लंबे अरसे तक अपने बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड करवाती है उनके अंदर एमोनोरिया होता है, ठीक है, मतलब कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल रुका हुआ होता है और वो प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट दी प्रेगनेंसी। ये किस्म का प्रेगनेंसी से भी हमारे पास प्रोटेक्शन होता है। होता क्या, जो लैक्टोजिन लैक्टेशन के दौरान जो हार्मोन है ना वो हमारे पास प्रोटेक्ट करेंगे प्रेगनेंसी के अंदर, वो लैक्टोटॉक्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोजेस्टिरोन और वो इनके अंदर इंटरप्शन करवा के, बस इतना बात बता देना कि ये हमारे पास इस्लामिक मेथड है और हमारे पास ये एमोनोरिया करवा देते हैं। ईजी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास कुछ जो है ना नेचुरल मेथड्स की अगर बात कर लें, ठीक है, तो कुदरती तौर पे जो है ना आप किस तरह डिटरमाइन करके रोक सकती हैं, एक तो बेसल बॉडी टेम्परेचर फीमेल का, बेसल बॉडी टेम्परेचर वो ओव्यूलेशन से पहले रेज कर देता है, ठीक है। फीमेल जो सुन रही हैं आप ऑब्जर्व करें, पता नहीं अब कैसा एक्सपीरियंस होगा आपका, लेकिन बताना ये कि आया कि वाकई बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है या नहीं, ठीक है। तो बिफोर ओव्यूलेशन वो कहता है कि फीमेल्स का जो है ना वो
बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज कर देता है। ये एक पेट साइन है कि इसके बाद ओव्यूलेशन होगी, तो वो उन दिनों के अंदर जो है ना वो किसी भी किस्म का सेक्शुअल कॉन्टैक्ट ना करें तो हमारे पास ये बच सकती हैं। नंबर सेकंड पे कैलेंडर मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। ओव्यूलेशन के बाद जो है ना वो उसको पता चल गया अब ओव्यूलेशन हो चुकी है जी, वो कैलेंडर के जरिए देख लिया कि जब 14 डे के ऊपर जो है ना ओव्यूलेशन हुई है, ठीक है, इतने दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल और 14 दिन के ऊपर हमारा ओव्यूलेशन हो चुकी है, कैलेंडर से उसने मापा। उसके बाद जो है ना वो अपने हस्बैंड को जो है ना वो दूर दूर रहेगी, वो कहेगी कि मैंने आपके साथ किसी भी किस्म का कॉन्टैक्ट नहीं करना अब, ठीक है। तो ये एक मेथड हो सकता है कि इन खास दिनों के अंदर वो रुक जाए। नंबर थर्ड पे हमारे पास क्या है कि सर्वाइकल म्यूकस जो है ना वो थिकनेस मेथड हो गया, ठीक है, जो सर्वेक्स का म्यूकस है ना उसकी थिकनिंग को वो चेक कर ले, खुद चेक करती रहती है कि आया कि सर्वाइकल म्यूकस ठीक है या थिन है, ठीक है। जब ओव्यूलेशन होती है तो वो सर्वाइकल म्यूकस खुद ब खुद जो है ना वो ओव्यूलेशन को जो है ना थिक हो जाता है। तो अगर उसको थिकनेस महसूस हो रही थी, इसका मतलब है कि उसकी ओव्यूलेशन हो चुकी है, अब वो परहेज़ करे अपने हस्बैंड से थोड़ा सा, तो ये एक हो सकता है। या फिर हमारे पास सब सिम्पोपैथो थर्मल मेथड होता है, जिसके अंदर कंबाइन बेजल बॉडी टेम्परेचर, कैलेंडर और ये तीनों मेथड को मिला के जो है ना एक उसको स्ट्रेटेजी देती हैं जिससे वो कर सकती है। अच्छा, नंबर लास्ट में हमारे पास होता है जी टर्मिनल मेथड। तो टर्मिनल मेथड के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होगा, जो मेल है ना, ठीक है, टेस्टिस होगा, ठीक है, एपिडेडिमस होगा, फिर वहाँ से वायल्स डेफरेंस जाती है। हम क्या करते हैं कि वायल्स डेफरेंस जो है ना उसको ही काट देते हैं, ठीक है, मेल की वायल्स डेफरेंस को जो है ना वो काट दिया करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नंबर सेकंड प्रोसेस को आपने पेरिनियम वाले चैप्टर में पढ़ा विजेक्टमी, ठीक है, मतलब वायल्स डेफरेंस को ही हमें काट दिया है। तो इससे हम क्या होता है कि वो है एक तो उसको थोड़ा सा अरसा लगता है इस दौरान। आपने एक वो देखा होगा केस आता था पहले इमरान खान के दौर में एक, कि उसने वो रेप केस किया था बच्ची के साथ, तो उसकी विजेक्टमी कर दी गई थी उस मुजरिम की, उसकी सज़ा यही थी कि वो सारी उम्र बच्चे पैदा ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी भी कुछ होती हैं, एक तो 6 से 8 विजेक्टमी की 6 से 8 हफ्ते तक जो है ना वो अगर फिर भी मिलाप करता रहा ना तो हो सकता है कि वो अभी प्रॉपर विजेक्टमी ना हो। तो 6 से 8 हफ्ते तक उसको परहेज़ करना है, और उसको एटलीस्ट 30 इजैकुलेशन, ठीक है, वो उसने काउंट करनी है। 30 इजैकुलेशन के बाद वो मुकम्मल इनफर्टाइल होगा मेल, ठीक है। तो मतलब यूँ आप कह रहे हैं कि वो मास्टरबेशन करके 30 इजैकुलेशन कर ले या जो भी और कर ले, लेकिन 30 इजैकुलेशन जो है ना वो आपने MCQ याद रखना है, 6 से 8 हफ्ते याद रखना है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन क्या है, अक्सर होता है कि उसकी जो है ना विजेक्टमी या ये हम इसको ना वेज रेफरेंस को काट दे करते हैं पक्का पक्का, लेकिन होता क्या कभी कभार जो है ना वो सेल्फ हीलिंग होकर ना ये दोबारा रिकेनलाइज हो सकती है। तो स्पॉन्टेनियस रिकेनलाइजेशन भी हो सकती है, या खुद ब खुद दोबारा मेल फर्टाइल हो जाता है। तो ये भी एक इसकी ना ड्रॉबैक भी है कि अगर हमें बंदे को मालूम क्या देनी है, जब अगर वो अपनी मर्जी से विजेक्टमी करवा रहा है ना, ठीक है, तो उसको कहना है कि आपने विजेक्टमी करवाने के 24 घंटे तक जो मतलब एक दिन तक आपने नहाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जब क्योंकि जब वो नहाएगा तो बॉडी की सर्कुलेशन होगी तेज़, तो वो हो सकता है कि दोबारा रिकेनलाइज हो जाए। स्क्रोटल स्पोर्ट जो है ना, आपने वो पहलवानों को देखा ना, वो एक वो कच्चा सा पहन दिया, ठीक है, तो उसी तरह का एक स्क्रोटल स्पोर्ट जो है ना वो उसके टांगों के नीचे जो है ना वो दे दें, ताकि उसके जो टेस्टिस हैं वो हमारे पास उस स्क्रोटम के ऊपर वो ज़्यादा देर लटके ना रहे, ठीक है, वरना वो पेन करेंगे। फिर नंबर थर्ड भी उसने कह रहा कि यहाँ पे आपने क्लीनलीनेस सफाई का खास ख्याल रखना है, और साथ में उस एरिया को ड्राई रखना, गीला रखोगे तो वहाँ से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अवॉइड साइकिलिंग, साइकिल नहीं चलाना, क्योंकि जब वो साइकिलिंग करेगा तो साइकिलिंग के अंदर हो सकता है कि उसको दोबारा रिकेनलाइजेशन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर एक्सरसाइज ही है किस्म की। वेट लिफ्ट नहीं करवाना उससे, ठीक है, वेट लिफ्टिंग से उसे परहेज़ करवाना। साथ में कहना कि जो उसको स्टिच लगाती है ना, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ से हल्का सा काट देके फिर वहाँ पर स्टिचिंग कर दे, तो स्टिच जो है ना उसे कहना कि हर सूरत 5वें दिन के अंदर जो है ना 5th डे के अंदर तुमने स्टिच को रिमूव कराना। तो ये कुछ करना, ये भी एक पास्ट का UQ आया हुआ है। फिर फीमेल के अंदर एक और मेथड होता है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास यूट्रस है, ठीक है, ये फिलोपियन ट्यूब है ना, तो हम क्या करें फिलोपियन ट्यूब को ही पकड़ के जो है ना यहाँ पे लाइगेट करवा दें धागे के साथ। अगर मैं फिलोपियन ट्यूब को बांध दूँ तो जितना मर्जी अपना पाठा वो सेक्स करवाती रहे, ठीक है, अपने मेल से, तो यहाँ पे जाके स्पर्म जो रुक जाएंगे, तो आगे से यहाँ से ओव्यूलेशन के बाद हो भी गई तो एग यहाँ तक नहीं आ पाएगा, तो कोई मसला नहीं है फिर हमारे पास, ये होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो कह रहा है कि कुछ न्यू मेथड हैं, उसके अंदर माइक्रो इंसर्ट होता है, मतलब पतली सी राड जो है ना वो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि न्यू मेथड के अंदर ना ये उसकी फिलोपियन ट्यूब है ना,
ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पतला सा जो है रॉड यहाँ पे डाल देते हैं, वो क्या करता है लोकल इन्फ्लामेशन करवाता है, ठीक है। उसके ऊपर खास तरह की मेडिसिन लगी होती है, तो वो लोकल इन्फ्लामेशन का जिसकी वजह यहाँ पे ना इन्फ्लेमेशन से फाइब्रोसिस हो जाती है फिलोपियन ट्यूब की। जब वो फाइब्रोसिस होगी सूजेगी तो वो पक्का पक्का बंद कर देगी इसको। ये हमारे पास होता है खास न्यू माइक्रो इंसर्ट मेथड से हम कहते हैं, या फिर क्यूनिन पैलेट्स होती हैं, छोटी छोटी गोलियाँ यूटरस के अंदर रख देती हैं, वो फाइब्रोसिस करवा देती हैं यूटरस की। जब यूटरस की फाइब्रोसिस होगी तो वो ब्लॉकेज करवा देगी, ठीक है। बाकी होता है, बाकी वो कह रहे हैं कि WHO की क्लासिफिकेशन के मुताबिक ओरल कंट्रासेप्टिव को जो है ना वो हमने कुछ इस तरह डिवाइड किया हुआ है, क्लास ए है, फिर हमारे पास क्लास बी है, क्लास सी है, और हमारे पास क्लास डी है, ठीक है। ए क्लास ए बी सी डी हो गया। क्लास ए हर हालत में जो है ना वो हमने जो क्लास ए की मेडिकेशन है ओरल कंट्रासेप्टिव वो हम हर हाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ड्रॉबैक नहीं है। क्लास बी जो है ना बी से ब्रॉडली हम यूज़ करते हैं, इसका बहुत कम लोगों में इसका साइड इफेक्ट आता है। क्लास सी में जो है ना हमने हमेशा एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये किसी भी खतरा होता है। और क्लास टी जिनको हमने एलिमिनेट कर दिया अब हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारे पास कर दिया जी। अब हमारे पास जो है ना एक सिनेरियो दिया गया है इवेल्युएशन ऑफ दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए, ठीक है। तो हमारे पास यह है एक फार्मूला आपने याद रखना है कि हमारे पास इवेल्युएशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कि टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी जो कि हमें ज़रूरत नहीं थी लेकिन उन्होंने अनजाने में खेल खेल में प्रेग्नेंट करवा लिया अपने आप को, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज डिवाइडेड बाय टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर मल्टीप्लाई बाय 1200 के साथ, ठीक है। 12 माह होते तो वहाँ से याद 1200 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना, तो ये एक फार्मूला है आपके पास सिंपल सा, तो ये हमारे यूज़ करना होता है, ठीक है। अब एक हमारे पास मेथड रह गया जी कॉन्डम वाला, जिसके अंदर हम मेल को जो है ना वो कॉन्डम सजेस्ट करती हैं, और मेरे ख्याल में एक अच्छा डॉक्टर वही है जो कि प्रैक्टिकली बताए, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी को ज़बानी बता दूंगा और अगर किसी को दिखा के बताऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये आई थिंक मुझे खुद भी नहीं पता, मैंने उसे बस कॉन्डम का और उसने ये पकड़ा दिया मुझे। तो इसके अंदर 3 पैक हैं, ठीक है, एक मैंने निकाला यहाँ से, बाकी जो है ना मैं कोशिश करूँगा इधर वीडियो बनाऊँ कूड़े वाले के साथ, इधर बाहर आते उसके काफ़ी ज़्यादा मैंने देखे हैं बच्चे, उसको मैं ये रिकमेंड करूँ अगर उसने इजाज़त दे दी तो उसको, एक तो ये गिफ्ट करनी है, बाकी जो 2 इसके अंदर हैं और ये तो अभी इसकी तो हमने अनबॉक्सिंग करनी है ना, तो उसके साथ वीडियो बना के उसका मैं रिएक्शन चेक करवाऊँगा आपको, कोशिश करूँगा अगर वो मान गया तो, ठीक है। अब मेल को जो है ना हम ये देहाती लोग होते हैं उनको नहीं पता होता और वो इवन वो परचेज़ करते हुए भी शर्माते हैं, बिलीव मी। अब उनको आपने सजेस्ट करना है कि बकायदे दिखा के अगर वो देगी ना, अभी ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की आ जाते हैं, मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा लेकिन आपने भी दिखाया, अब आपने उसको एक तो ये रिकमेंड करना है कि आपने बिफोर गोइंग फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर उर्दू में बता दें, अगर वो पंजाबी समझते तो उसकी पंजाबी ज़ुबान में समझाएं कि आपने जो है ना वो इसको जो है ना वो अपने फिनाइल आर्गन के ऊपर चढ़ा लेना, इससे क्या होगा आपको खतरा नहीं होगा। अब इसके अंदर जो है ना उसके कुछ कॉन्ट्राइंडिक्शन ये भी बता देना कि हर जो है ना वो कंडम को जो है ना हो सकता है आपकी जो बीवी है ना उसके अंदर जो है ना वो थोड़ा बहुत कुछ सेंसिटिव फीमेल्स होती हैं तो उनके अंदर जो है ना वो हमारे पास करवा दे, या फिर वो कह रहा है कि आपने प्रीमियम क्वालिटी जो है ना वो अच्छी वाली कुछ ज़्यादा सस्ता यूज़ ना करें ना, वरना वो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वो फट सकता है, तो वो अगर फट गया तो फिर पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना। फिर वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली टेस्टेड है जो कि हेल्प करते हैं, अच्छा बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास इसको धूप से बचाना है, वो मैकेनिकल डैमेज से बारिश से बचाना है, ताकि वरना ये जो है ना वो धूप बारिश की वजह से इसकी वो इलास्टिसिटी ख़राब हो सकती है, जस्ट लाइक अ बलून उसको बताना है आपने। फिर बताना कि ज़्यादा महंगा भी नहीं है और साथ में बताना कि ये सोशल मार्केटिंग बच्चों वाली बात है। अब इसकी हम करते हैं जी अनबॉक्सिंग, उसे आपने प्रॉपर बताना है, सपोज करें कि ये उसको जो है ना वो आप डेमो दे रहे हैं, अगर मैं हूँ ना, ठीक है, किसी पेरिफेरी में बैठा हुआ हूँ, अव्वल तो नहीं हो, लेकिन अगर मेरे पास कोई इस तरह का केस आ जाए, अगर फैमिलीज़ में वुमन आ जाते हैं, तो आपने उसको बकायदा मंगवा के ये बिठाना है, उससे कहना कि इसकी ओपनिंग के कुछ तरीके हैं, मैं भी इसको पहली दवाई शायद यूँ कह रहा कि ओपन कर रहा हूँ, ओपन कैसे हो गई ये, ठीक है, ये इसकी ओपनिंग है और इसको आपने बताना है कि जस्ट लाइक आ बलून, यार इसकी खुशबू काफ़ी जो है ना वो स्वीट स्वीट्स जिस तरह आप किसी बेकरी में नहीं जाते, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको कहते हैं डेमो देना है, जब तक डेमो ना देंगे वो उल्टा सीधा यूज़ करते रहेंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। और उन्हें बताना है कि ये अगर सपोज करें ये इसका फिनाइल आर्गन है, तो यूँ इसके ऊपर चढ़ा के इसको बकायदा आपने
ठीक है, जहरी बात है वो जब इरेक्टेड पीनस होगा तो उसके ऊपर ही चढ़ेगा, ठीक है। तो इसके तरह उसको चढ़ा के तो आपने उसको बता देना कि ये, फिर उसके बाद आप जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव में देखें, अब यहाँ से अगर इवन इजेकुलेशन हो भी गई है ना तो यहाँ कहीं अकामुलेट रह जाएगी, ठीक है। बाकी जो है ना वो सेफ होगा, और वो कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग का एक ये बेस्ट मेथड जो ऑल ओवर द कंट्री होते हैं। आपने देखी होगी कि एक वो साथी की जो है ना वो आती होती थी पीटीवी के ऊपर किसी दौर में, ठीक है, बच्चे दो ही अच्छे वो कॉफ़ी और पी रहे होते हैं, ठीक है। तो जो उसी के अंदर भी यही जो है ना वो प्रमोशन कर रहे थे फैमिली प्लानिंग की, शर्माने वाली बात नहीं है, खुल के बताओगे, इजीली बताओगे। अब आप भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, मैं भी मेडिकल से रिलेटेड हूँ, ठीक है। अब जिसके अंदर भी शर्माने वाली बात है, होपफुली जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई होगी, खर्चा तो हो गया, लेकिन मेरा जो बाकी मैं ये कोशिश करूँगा जो बाकी दो इसके अंदर वो इधर कूड़े वाला जो आता है ना उसके काफ़ी ज़्यादा बच्चे, उसके साथ मैं मिलकर वीडियो बनाऊँ और उसको सारे ये स्टेप फिजिकली बताऊं कि तुमने किस तरह करना है इसी तरह, ठीक है। ये था उन लोगों के लिए जो, और इवन कुछ मेडिकल स्टूडेंट भी होते हैं उनको पता नहीं होता, तो ये एक बेस्ट मेथड है जो आप इससे देखें, आपका होल फिनाइल आर्गन कवर्ड है और हमारे पास रिस्क फैक्टर सेफ है, ठीक है। अगर लो क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो हो सकता है ये यहाँ से फट भी जाए, लेकिन ये अभी तक नहीं फटा, ये इतना क्वालिटी है, ये इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा, मतलब अच्छे ब्रांड का लेंगे तो यही होगा कि वो फटेगा नहीं। और इसको उसे कहना कि एक दफ़ा यूज़ करना है, बार बार यूज़ नहीं करना। कुछ होते हैं कि वो पैसे बचाने के लिए जो है ना इसको धो के फिर यूज़, वो बहुत एक घटिया काम कहने के इसके साथ जाती होगी, ठीक है। एक दफ़ा यूज़ करें, और अगर आपके पास वो मेल को HIV है, हेपेटाइटिस सी है, या इस तरह की कोई भी जेनिटल उसको इन्फेक्शन है तो उसके अंदर आपने यूज़ करवा देना। अगर उसको कह लें कि कोई भी इस तरह का, या फीमेल को कोई है तो वो मेल के अंदर ट्रांसफ़र ना हो, मेल से फीमेल के अंदर ट्रांसफर, तो ये एक बेस्ट बैरियर मेथड है, यूँ कहने के फिजिकल बैरियर है, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको देखिए, ठीक है, ये कन्वेंशनल मेथड इन मेल है जो कि कॉन्डम का है। तो ये हमारे पास है जी कॉन्डम, जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। होपफुली अब आपको कुछ ना कुछ आइडिया। बाकी डायफ्राम मेथड है वो फीमेल में एक स्पंज लाइक होता है जो हमने करना होता है। अब इतनी ज़्यादा भी जो ना, और मेडिकेशन में हमारे पास ओरल पिल और इंजेक्टेबल हो जाती हैं कुछ। ओ माय गॉड यार, ये क्या, आई थिंक इसको कोई ना वो लिक्विड मटेरियल सा लगा हुआ, और इसकी खुशबू बड़ी अट्रैक्टिव सी है, वो जिस तरह मीठी मीठी सी खुशबू होती है, शायद ये स्टिमुलेंट हो या कुछ भी हो, बहरहाल ये मेरे तो किसी काम का नहीं है इसको। अच्छा एनीवेज, अब हम करते हैं कुछ यहाँ पे ना, अच्छा बुक से दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कुछ पिल्स की बात की हुई है जो कि मैं बताना भूल गया, मेलानिन और मेलाडी के अंदर कुछ पैकेट होता है जो 21 पिल होती हैं, कुछ में 28 पिल होती हैं। एक्चुअली हमने 21 पिल यूज़ करनी होती है, बाकी 28 जो है ना वो सात इसके अंदर आयरन वाली पिल होती हैं, ठीक है। या तो 21 पिल वाला पैकेट दे दो तो उसे हम कहना है कि 21 दिन उसने खानी है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है जो है ना कंटिन्यू करना है 21 दिन, उसके बाद एक हफ्ते का गैप होता है। लेकिन अगर वो गैप भूल जाया करती है तो हम उसको 28 पील वाली देती हैं जिसके अंदर वो सात आयरन की गोलियां खाती, इस तरह होता है उसका एक साइकिल कंटिन्यू रहता है, मतलब डेली गोली खानी है, डेली गोली खानी है। तो 28 पील वाली यही करती है, ये भी एक ऑस्पी का इंपॉर्टेंट स्टेशन है, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक मैंने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कवर कर दी हैं, बाकी आप एक दफ़ा खुद रीड करेंगे, जो चीज़ रह गई वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये वाली टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल ब्रेक, टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर मल्टीप्लाई बाई 1200, यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि एक जो है ना वो फेलियर रेट अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा 30 कपल हैं जो ऑब्ज़र्व किए 30 सालों तक, 40 कपल को हमने 2 सालों तक ऑब्ज़र्व किया, और 10 को हमने 1.5 साल तक ऑब्ज़र्व किया, और 30 कपल को हमने 6 माह तक ऑब्ज़र्व किया। तो ये सिनेरियो में आपने 30 कपल को हमने 30 सालों तक ऑब्ज़र्व किया है ना, तो कुल कितने साल हो गए, 30 मल्टीप्लाई बाई 30, 900 ईयर्स हो गए। अब इसके अंदर 900 ईयर अगर बनते हैं, ठीक है, टोटल कपल्स और टोटल ईयर्स को हमने मिलाया तो 900 साल बने हैं, तो मंथ कितने यूज़ हुए, 900 को 12 से करेंगे तो हमारे पास 10,800 मंथ ओवरऑल बनते हैं। फिर 40 कपल को हमने यूज़ किया 2 सालों तक, तो 40 ज़रब 2 80 साल हो गए, और 80 सालों में हर साल में 12 मंथ होते हैं तो 12 से ज़रब दे देंगे तो 960 मंथ बन गए। 10 कपल ने 1.5 साल तक यूज़ किया, मतलब कि 12 और 6 18 साल तक, ठीक है, नहीं 1.5 ईयर है, ठीक है। तो हमने जो 10 कपल हैं उनको 1.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1.5 साल तक उनको ऑब्जर्व किया गया, तो 15 ईयर टोट ओवरऑल बनते हैं उनके। और इसके अंदर जो है ना हमारे पास मंथ कितने यूज होंगे, 15 साल को हमने 12 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे। 30 कपल को 6 माह तक यूज़ किया है ना, तो 30 ज़रब 6 180 आ जाएगा, तो हमारे पास सिंपल ये आ जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर साल से भी कम है तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमने 30 को ज़रब कर दिया 6 के साथ। तो आपके पास ये, मतलब आपने जितने कपल हैं उनको उनके ईयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ईयर्स को मंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपके पास टोटल मंथ कितने बन गए,
180, ठीक है, और 960 और 1080 और ये 900 ईयर, तो 12,000 120 टोटल मंथ बने हैं आपके पास महीने। अब देखो हमारे पास, वो कह रहा है कि एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी जिसके लिए कितनी आई है, यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास 20 कपल्स के अंदर, वो कह रहे हैं हमारे ऑब्जर्वेशन किया कि कॉन्ट्रासेप्शन हुई, मतलब एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी 20 कपल के अंदर आई है, तो ये हमारे पास 20 कपल की प्रेगनेंसीज आ गई। तो इसके लिए मंथ कितने होंगे 20, और ड्यूरेशन हमारे पास कितना है, तो क्योंकि 9 माह की प्रेगनेंसी तो ठीक है, लेकिन हमने उसको ना 10 के साथ करके 200 मंथ कर दिया। अब फेलियर रेट के लिए हमारे पास क्या, टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज कितनी है 20 है, डिवाइडेड बाई टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर कितना है, टोटल मंथ 12,120 है, लेकिन हमने उसमें से माइनस करना है जो एक्सीडेंटल हो चुकी हैं, जो बच गई हैं वो ये रह जाएंगी बाकी, ठीक है, जो हो चुकी हैं उसमें जो एक्सीडेंटल है उसके माँ माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सीधा सीधा रिजल्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो हमारे पास फेलियर रेट हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। टू हमारे पास तो फेलियर रेट का एक यू कह लें कि यूनिट ही है इस तरह का उसने बनाया हुआ, तो बाकी आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, होपफुली कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ जो है ना वो हेल्प करेगी आपके, ठीक है। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आज से यूरोपीशियस प्रेयर। बाकी अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम, दुआ में याद रखना। बाकी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।